दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सभी अपने फ्लिपकार्ट में से फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड ईएमआई ऑप्शन जो अनअवेलेबल दिख रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके आप इस ऑप्शन से फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन से शॉपिंग कर सकते हो, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि किस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर अनअवेलेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको रीज़न जानना पड़ेगा कि आखिर ये प्रॉब्लम आपके फ्लिपकार्ट में आ क्यों रहा है। क्या आपने कोई मतलब पैसे को पे करने में देर कर दी या फिर कुछ कर दिया इस वजह से ऐसा आ रहा है, या फिर कोई और वजह है इस प्रॉब्लम का। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपके वजह से नहीं आ रहा है। ये जो प्रॉब्लम है ये जो फ्लिपकार्ट की टीम है जिसने फ्लिपकार्ट पे लेटर चालू करवाया है वो जो है वो एक बैंक से करवाया है, और जिस बैंक से इन्होंने अपना ये ऑप्शन चालू करवाया है उस बैंक पे आरबीआई की गाइडलाइन को मतलब फॉलो ना करने का ऐसा उन पे इल्ज़ाम लगा है, जिस वजह से आरबीआई ने ही ये ऑप्शन को क्लोज कर दिया है। आरबीआई क्या, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे सारे बैंकों का बैंक होता है, उसने ही ये जो फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड ईएमआई ऑप्शन है उसको अनअवेलेबल करवा दिया है। तो जो लोग घबरा रहे थे कि हमसे कुछ गलती हो गया है क्या, कुछ हमसे हो गया क्या, तो नहीं, आपसे नहीं हुआ है, ये फ्लिपकार्ट के ही वजह से है। ये आप में इस आपका गलती इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रॉब्लम सबके साथ आ रहा है। तो हमने ये कारण जान लिया कि भाई हमारे वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है कि देखिए जैसा प्रॉब्लम आ रहा है जो कंपनी है उसी के वजह से, तो सॉल्यूशन भी वही कंपनी करेगी, हम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमारे वजह से आता तो हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये हमारे वजह से नहीं आ रहा है इस वजह से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब आखिर कंपनी कब इसे सॉल्व करेगी, तो जहाँ तक खबर है कि 15 जून तक हमें जो है फ्लिपकार्ट एक दोबारा से फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड ईएमआई के लिए हमें केवाईसी करने को बोलेगी। और जब हम केवाईसी कर लेंगे, जैसे अभी तो आपने केवाईसी कर रखा है उसी लिए ये ऑप्शन आपको मिला हुआ है, लेकिन जब आपको 15 जून के बाद या उससे थोड़ा पहले भी आपको फिर से केवाईसी करने को बोला जाएगा वापस से, और तब जाके आप यूज़ कर पाओगे 15 जून से पहले या 15 जून के बाद। अभी अगर आप चेक करेंगे तो आपको कोई भी केवाईसी करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये इसका प्रॉपर एक सॉल्यूशन है। और बाकी आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।